नमस्कार दोस्तों, आज 16 मई दिन सोमवार 2022। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फल सब्जियों का क्या कुछ रेट चला। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं है, आपकी डिमांड थी कि खारी बावली का, होलसेल का, ड्राई फ्रूट का, दालों का, तेल का, मिर्च मसाले का, ज्वेलरी का, सब की वीडियो आएगी। दोस्तों इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है दिल्ली होलसेल मार्केट। उस दिल्ली होलसेल मार्केट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी कंपनियां जो दिल्ली की हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो मिर्च मसाले की कंपनी है, ड्राई फ्रूट की कंपनी है, और ओरिजिनल सोने की जो कुच्चा महाजनी चांदनी चौक की है उसकी भी वीडियो बनेगी, डायमंड की, ज्वेलरी की, जहाँ से खानों में से हीरे निकल कर आते हैं, जहाँ वो तराशे जाते हैं और जो बंदे उनको पहनते हैं उनकी भी वीडियो बनेगी। दोस्तों आपको इसमें बड़ी बड़ी होलसेल की सारी मार्केट दिखाई जाएगी। मेरे चैनल का जो लिंक है आज की वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका नाम है दिल्ली होलसेल मार्केट। दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पहली वीडियो पूरी देखना जो मेरी आज की मैंने उसकी मसाले की वीडियो बनाई। और आने वाले समय में खारी बावली में बड़ी बड़ी जो जूतों की कंपनी है, खारी बावली के अपना ड्राई फ्रूट, तेल की मार्केट, दालों की मार्केट, चावल की मार्केट, जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं दिल्ली में, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, वो सारी आपको मिलेंगी। और आने वाले समय में जितने भी सेलिब्रेट हैं मुंबई के, सारे एक्टर, डायरेक्टर, सारे फिल्म स्टार, सारी मेल फीमेल सब भी इस चैनल पे आपको मिलेगी। सारे वो जो है हाजिर होंगे आने वाले समय में। नाम होगा उसका दिल्ली फ्रूट मार्केट। आज मेरे इस चैनल को जो आज की वीडियो में मैंने उसका लिंक दे दिया, उसके अंदर इस चैनल का लिंक है वीडियो में, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फल सब्जियों का क्या कुछ रेट चला। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दे भी बा तो जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अदरक का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में कितनी गाड़ी अदरक की आई, भाई साहब के पास नंबर वन के अदरक है, नंबर वन तो सारी मंडी में अदरक, पर क्या करें रेट ही अब की साल ऐसा है कि कोई वैल्यू नहीं है अदरक की। सर जी नमस्कार जी, बड़े दिन बाद मिले जी अदरक मंडी में। जी ऐसा है भाई साहब, इधर भाई सतंदर देखता है। अच्छा जी, इधर नींबू में, और मैंने कहा मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। अच्छा जी, पेमेंट है वो देखना पड़ता है। हाँ जी, आज कितनी गाड़ी आई जी? आज टोटल है 24 गाड़ी। 24 जी? हाँ। अच्छा जी, और बाज़ार में 2800 रुपये से 3400 रुपये किलो बाज़ार। ये तो इसी के लगभग बाज़ार घूम रहा जी, कभी 1-2 रुपये नीचे और या 1-2 रुपये ऊपर। ऐसा है बाज़ार में अब जो अदरक का भाव रहेगा 10-10 रुपये किलो का अंतर, क्योंकि डैमेज माल आना शुरू हो गया है। हाँ जी, जो बिक गया वो बिक गया, नहीं तो बाजार 24 का भी बिकेगा, 22 का भी बिकेगा। ये कब का बैलेंस है जी? ये बैलेंस आसाम का माल है। हाँ जी, ये आज एक हफ्ता हो गया है। अच्छा, एक हफ्ता से ये माल नहीं बिक रहा है। फिर ये तो खत्म है जी, फेंकने को लिया। अब ये देखो ना, फेंकने वाले ही बात हो जाता है। अच्छा जी, लेकिन अब व्यापार में व्यापारी के लिए लड़ना पड़ता है, किसान के लिए लड़ना पड़ता है। अच्छा जी, मतलब छोटा माल है, बिल्कुल छोटा माल है। ये आसाम का है, असम वाला मोटे, पतला जी, असम का जिसको सिलचर कहते हैं। अच्छा जी, और जो असम का वो मोटे वाला होता है एक दूसरा, जो असम तिनसुकिया बंद हो गया है। हाँ जी, अभी तक आता नहीं था, वो लास्ट डेट है मार्च का। हाँ जी, अप्रैल मई आ गया। हाँ जी, अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा, जिसको दीमापुर बोलते थे जी, जिसको दीमापुर। अच्छा जी, अब सारा का सारा एक कर्नाटक ही है जी? ये कर्नाटक में एक हिमाचल का बीज है, एक रिगोरी है। ये कौन सा है जी? ये हिमाचल है। हिमाचल है। हाँ, अच्छा, इसका बड़ा पंजा होता है ये? हाँ, मैं मजबूत होता है। अच्छा, इसका सोंठ बनता है। हाँ जी, वो वाला माल है। अच्छा, सोंठ वाला जी। हाँ जी, इसका क्या बाजार चला जी? इसका बाजार आज के तारीख में 30 रुपये भी बाजार है। हाँ जी, 28 रुपये बाजार है, 34-35 रुपये भी बाजार है। जैसी क्वालिटी, मतलब ये लगा लो एक ट्रक में अगर 50 बोरी है तो उससे तो रेट नहीं होगा। हाँ जी, एवरेज ट्रक पूरा अगर 24 का रेट निकालेंगे ना, हाँ जी, तो 28 से 30 रुपये मतलब किसान को रेट मिलेगा। अच्छा, 7 रुपये भाड़ा भी तो है। हाँ जी, कई बार क्या होता है किसान भाड़ा भी नहीं देखता, आपका जो चैनल देख लेते हैं ना। हाँ जी, तो दिल्ली में 32 रुपये बिका, अरे भाड़ा 8 रुपये किलो है, खर्चा है, लेबर है, मजदूरी है, 3 किलो सॉर्टिंग है। इन दिनों में तो घटेगा जी, जितनी गर्मी पड़ रही है। 3 किलो सॉर्टिंग है, 3 किलो जो वहाँ से मिलाता भी नहीं है। हाँ जी, एकदम से कह देते हैं जी दिल्ली में 32 बिका, 28 बिका।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये डैमेज निकला, हल्का निकला, वो लोग देखते भी नहीं है, इसलिए एवरेज रेट आप ट्रक का पूरा लगाएंगे तो 28 से 30 रुपए समझ के काम करें। अच्छा जी, इसमें 8 रुपए किलो भाड़ा भी है। हाँ जी सर जी, जितनी आज गाड़ियाँ हैं ये बिक जाएगा जितना माल? फिर नहीं, इसमें 5 गाड़ी से 7 गाड़ी बच जाएगी। अच्छा जी, आज फिर ये बस समझ लो सोमवार का दिन है तो ये लगातार बैलेंस चलता चला जाएगा फिर? बैलेंस चला, अब आमदनी ज़्यादा है इस टाइम में, एक एवरेज 30 साल का है, मतलब 10 से 8 गाड़ी बिकता था इस टाइम में, अब आ रहा है 24 गाड़ी, तो क्या होगा? हाँ जी, अदरक ही तो लोग खाएंगे, फसल है 5 गुना। हाँ जी, 5 गुना होने के कारण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। हाँ जी, इसलिए थोड़ा सा बैक मार रहा है। अच्छा, धन्यवाद सर जी जानकारी देने। सर जी, नींबू मंडी कब जाओगे जी? अब अदरक मंडी आज इधर पहुँचा हूँ। हाँ, अब नींबू मंडी ही जाएंगे। कोई बात नहीं, मिलूंगा जी दोपहर बाद आपको, वहीं दोपहर में ही मिलूंगा जी वहाँ नींबू मंडी में। शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, जय विहार अदरक कंपनी, A248 सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर 9899309238। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अदरक का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना नींबू आया। मैं फिर अदरक दिमाग ही नहीं काम कर रहा, गर्मी इतनी हो गई, टेम्परेचर जा लिया, दिमाग भी नहीं काम कर रहा। जान लेंगे नींबू का आज का क्या कुछ बाजार चला। जिस हिसाब से आज ग्राहक हैं, लेने वालों की भीड़ लग रही, इस हिसाब से अंदाजा है कि पहले रेट तेज होगा। जान लेंगे आज का कितनी गाड़ी, इसकी भी फोटो लगा देंगे, तेरा भी लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे, आपके गांव तक ससुराल तक पहुंचाएंगे आपकी फोटो। ठीक है जी, दोस्तों क्वालिटी तो इतनी बढ़िया नहीं है। ये गया दोस्तों 1350 रुपये का कट्टा, यानी जिसमें 22-23 किलो वजन होता है। क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, हरे दाने हैं, छोटे हैं, शायद बढ़िया दानों का इससे ऊपर रेट होगा। एक शॉट और देख लेते हैं, लो दोस्तों एक और शॉट देख लें, फिर बाद में जानेंगे गाड़ियाँ कितनी हैं। ये गया दोस्तों 1400 रुपये का, जिसमें वजन है 22 किलो के आसपास। जान लेंगे वरुण चौधरी जी से आज मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं। सर जी नमस्कार जी, पहुँच लिया जी नींबू मंडी में भी जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो 1350, 1400, 1450 रुपये कहाँ वाला है जी? ये आंध्र प्रदेश में जिसको गडूर कहते हैं, हाँ जी वहाँ बारिश था। हाँ जी, जिसको एलूर कहते हैं वहाँ भी बारिश था। हाँ जी, तो बारिश होने के कारण किसान बाग में नहीं जा सकता। अच्छा जी, तो जहाँ 20 गाड़ी की आमदनी थी उस जगह पे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 8 गाड़ी की आमदनी है। 8 ही गाड़ी रहेगी? टोटल 8 गाड़ी, जिसमें 2 बीजापुर, 2 मद्रास और 4 हैदराबाद। हाँ जी, ये टोटल आमदनी है। अच्छा जी, और इसलिए थोड़ा सा तलखी समझ लें, थोड़ा सा बाजार है। यही अगर 20 गाड़ी हो जाएगा, हाँ जी, जैसे कल गडूर से 5 गाड़ी चला है, हाँ जैसे आज 2 ही गाड़ी यहाँ पहुँचा है, हाँ जी, तो फिर आज थोड़ा सा 150 रुपये का ऊपर है बाजार। ऊपर है जी? ऊपर है। अच्छा जी, और गर्मी है, बादल भी जैसे लग रहा है कहीं गमस रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। हाँ जी हाँ, अगर जी बारिश हो जाता तो समझ लो कल शनिवार वाला ही बारिश रहता। हाँ जी, फिर बाजार तो बाजार बैठ जाता जी, तो बाजार बैठ जाता। नींबू का तो जहाँ दिल्ली में बरसात हुई तुरंत आसमान से धरती पे रेट आ जाता है। हाँ 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 जी, मतलब नींबू और बारिश का चोली दामन का खेल है, जैसे भींग जाता है ठंडा हो जाता है। हाँ जी हाँ, ऐसे बारिश 4 बूंद आने से तुरंत तो बाजार ठंडा हो जाता है। सिकंजीवी वालों का काम बंद तो बिक्री बंद ही इसकी। हाँ। और ये बोरिये का क्या बाजार चला जी आज का जी? बोरिये का अभी बिक रहा है सामने, आप देख लीजिए। हाँ जी, बाजार है 2000 से 3500, 4000। कहाँ की है जी बोरिये? ये बीजापुर का। और वजन कितना है जी इनमें? इनमें बीजापुर में देखो हर किसान अपना अपना अच्छा भरता है, अपने माल को आप हीरा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा आपके बदले, पड़ोसी तो नहीं कहेगा। हाँ जी हाँ जी, मेरा माल 45-48 किलो से 65 किलो तक का होता है ये जी। हाँ, और व्यापारी मतलब मन से माल भरता है, मन से यहाँ ग्राहक पैसा देता है, जैसा जिसकी बोली का बोरी का अंदाजा लगा कर उसी हिसाब से बोली देते हैं। हाँ जी हाँ जी, माल का वजन पे रेट है। अच्छा, इसमें 22 किलो की अंदाजा जी? ये 22 किलो ये हैदराबाद से है। अच्छा जी, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश आंध्रा का। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रेट गया जी?
इसमें चल रहा है अभी 1000 रुपये से 1400-1500 रुपये रेट चल रहा है। 1000 से 1500 रुपये ये 22 किलो वाला जी, 22 किलो वाला। और ये जो 45 किलो वाली बोरी है ये 45 किलो वाला 2000 रुपये से 4000 रुपये तक, 2000 से 4000 रुपये। हाँ, 2 ही लाखों का माल आ रहा है अभी। अभी 2 ही लाख मद्रास है। हाँ जी, मद्रास है 2200-2300 रुपये का। वो ये है ना भाजी, मद्रास का 2200-2300 रुपये छोटे वाला जी। तो भाजी भी मिल गया पर, भाजी का भी ले लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाता हूँ जी मैं। दो ही दुकान, ये तो आपकी दुकान है, इनकी दुकान है जहाँ से मुझे रेट मिल जाता है जी। देखो ये हमारे सीनियर हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इन लोगों से हमने सीखा है, होता क्या है जब आदमी पहला क्लास से 10वीं क्लास पार कर जाता है। हाँ जी। जब 12वीं में चला जाता है, कॉलेज में जाता है, तो प्रोफेसर को भूल जाता है। हाँ जी, ये हमारे प्रोफेसर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जिनकी जो जानकारी है ना जी, बिल्कुल सही आती है। दिलीप कुमार हीरो थे। हाँ जी। आज दूसरा जागे है, ठीक है, आज मैं हूँ, लेकिन पहले के देवानंद दिलीप कुमार यही है। हाँ जी, हाँ जी, ना जिनकी तरक्की करे। हाँ जी, हाँ जी, हमें बहुत खुशी है। हाँ जी, सबसे सीख के मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, एक एक बोरी बेच के आया हूँ, उसमें दिल से कहता हूँ, एक एक बोरी बेच के आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई कताई कोई बोझ नहीं। बाबूजी की जो जानकारी है ना जी, बिल्कुल सही जानकारी होती है जी इनकी, और तजर्बा भी इनका देखो ना जी, कब का सीख के आया हूँ ना मैं, सीनियर है। हाँ जी, तो सीनियर है तो मैं कह रहा हूँ, गुरु हैं लेवल पर। हाँ जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, और हर आदमी का सीनियर होता है इसमें। भगवान तरक्की दे इनको, चार चौगनी तरक्की करे। बहुत बढ़िया जी, देखो जी, देख दिल से दुआ दे रहे हैं। लोग कहते हैं कंपटीशन होता है आपस में, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने एक एक बोरी बेच के आया, मेरी हालात ये जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनके बहुत पुरानी फर्म है जी, वहाँ पर भी घंटा घर पे पहली मंडी थी। ये इनके 4 फर्म थे। हाँ जी, मैं इनके 4 फर्म में होते हुए आया हूँ बहुत जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी फर्म है जी, पुरानी। ये 4 फर्म थे, सीनियर हमारे दर्शन लाल जी थे। हाँ जी, उसके बाद श्याम सुंदर जी थे। हाँ जी, उसके बाद तो बौजी है। हाँ जी, हाँ जी, इंद्रमोहन भाई अब आता नहीं। हाँ जी, हाँ, ये तो परंपरा है जी। हाँ जी, हाँ, सासू जाएगा, बहू आएगा। हाँ, बहू जाएगा, उसकी बहू आएगा। हाँ, सर जी, दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जी। मेरा सब्जी मंडी आजादपुर, D14A248 डी लिया जाता है, तो पहला ऑफिस डी था। हाँ जी, A248, मोबाइल नंबर 9811009238। तेजी के कोई आसार नहीं है, किसान भाई से यही कह रहा हूँ, बारिश आ जाएगा, बाजार घुस जाएगा। हाँ, इसलिए बाजार को ज्यादा तेज मत समझना, ये नियम मात्र तेज है। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद सर जी। सर जी, आप भी अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जी। रामचंद इंद्रमोहन वोरा, D399 आजादपुर सब्जी मंडी, कॉन्टैक्ट नंबर 9810160955। बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए।